Give it to me like... How are you? I hope you all are fine and okay. Welcome to my channel. So, काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली मेरा फ़ोन गुम हो गया था, वो तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था. तो लेकिन अभी मैंने न्यू फ़ोन आखिरकार परचेज कर ही लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूँ. एक्चुअली भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फ़ोन लिया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने फ़ोन लेना होता है तो मैं ये दो चीज़ें देखती हूँ. एक तो उसमें जो है उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा सेकेंडली जो है उसकी मेमोरी जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. तो मैंने लिया है इन्फिनिक्स हॉट 12. तो लेट्स सी इसमें क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाला फ़ोन परचेज़ किया है बिकॉज़ क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है. और सो इट्स इन्फिनिक्स हॉट सीरीज़ का न्यू वर्जन है ये, और बिल्कुल अभी न्यूली लॉन्च हुआ है. तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ. सो इसका बॉक्स जो है वो एक्सक्लूसिव बनाया गया है, जो कि फ्री फायर और इन्फिनिक्स की कोलेबोरेशन से बनाया गया है. एंड देखें, 6+5 GB रैम है, जो कि अप टू 11 GB एक्सटेंडेड रैम है इसमें. दैट इज़ टू मच, क्योंकि इन्फिनिक्स और फायर फ्री की जो है वो कोलेबोरेशन से बनाया गया है. इसमें जो है गेमर्स को टारगेट किया गया है. इसमें गेमिंग के वाले से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, वो हम इसको ओपन करके देन मैं आपको के साथ शेयर करूँगी. और इसके अलावा इसके बैक साइड पर हम चले जाएँ अगर, तो इसकी हाइलाइट्स भी शेयर की गई हैं. इसकी मेमोरी जो है वो सबसे पहले मेंशन की गई है, 128 GB. कनेक्टिविटी जो है वो GPS, वाईफाई और BT. और इसके अलावा इसमें जो हैं वो तीन कैमरास हैं, और बैक कैमरास तीन हैं, और एक फ्रंट कैमरा जो है वो 8 MP है, और बैक कैमरा जो है वो 13 MP है. और यहाँ पे मेंशन भी है एक कैमरा जो 2 MP एंड फ्लैश लाइट इसमें जो है वो बैक साइड पे भी है, और फ्रंट साइड पे डुअल फ्लैश लाइट है, जो इसकी इसमें प्लस पॉइंट है. सेल्फीज़ बहुत अच्छी आएंगी आपकी इसमें. इसके अलावा सारा कुछ सारी हाइलाइट्स ही गई हैं, प्रोसेसर से नेटवर्क के मुतालिक एंड डायमेंशन, नेटवर्क 2G, 3G, 4G. और इसके अलावा ये बैटरी इसकी मेंशन है. इसके अलावा ये इसका डिज़ाइन जो है फ्लैट एजेस हैं. इसके अलावा इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें डुअल स्पीकर्स हैं, जो कि मोस्टली हर फ़ोन में नहीं होता है. एंड इट हैज़ सुपर डुपर एक्सलेंट गेमिंग प्रोसेसर. चलिए जी, अब अनबॉक्सिंग का टाइम आ गया. और ओके, सो लेट्स ओपन द बॉक्स. Bismillahirrahmanirrahim. So here's my phone. और इसमें एक फ़ोन है, इसके साथ इसकी एक्सेसरीज हैं. हाउ टू ओपन या इसमें इसका चार्जर है, ये इसकी वायर है, और इसका जो चार्जर है वो 8 W की जो है वो चार्जिंग को सपोर्ट करता है. और इसीलिए इसके लिए स्पेशली जो अंदर से आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, तो ये वायर स्पेशली 18 W को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है. और इसके अलावा अब इसको हम ऑन करते हैं और फ़ोन को, और मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ, देन मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इसके कलर की तरफ। तो इसमें चूँकि अभी न्यूली लॉन्च है और इसके अभी मुझे तो ये इसके कलर के बारे में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये इसमें तीन कलर्स अवेलेबल हैं, एक ये वाइट है, ब्लू है और इसके अलावा ब्लैक है। सो आई गॉट वाइट, और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके कैमरास, तीन कैमरास हैं और फ्रंट पे दो फ्लैश लाइट्स हैं और बैक पे भी हैं। बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल। इसके अलावा इसमें ये कार्ड है और इसको मैंने ओपन किया है और आई थिंक कि जैसे इसको गेमर्स के लिए ख़ास तौर पर टारगेट किया गया। इसके अलावा ये इसमें वारंटी कार्ड है। ओके, तो आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो मोस्टली फीचर्स इसके वैसे ही हैं जैसे कि प्रीवियस इसके वर्जन थे वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग्स हैं। और इसकी मेन जो चीज़ है कैमरा, जो वीडियोस के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें मैं कैमरा ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें शॉर्ट वीडियोस का भी ऑप्शन है जो स्पेशली टिकटॉक बनाने के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और इसमें और वीडियो है, ब्यूटी ऑप्शन है, सुपर नाइट ऑप्शन भी है। और इसका कैमरा मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ, इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। सो वेट फॉर इट। सो मैंने दो सेल्फीज ली हैं और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट अच्छा है इसका, बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा है। सो कैमरा चेक हो गया। इसके अलावा इसमें ब्यूटी का ऑप्शन है और वो आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपने अपने फेस को स्लिम करना है, अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना है, जो एनलार्जन आईज इस तरह अपने आप को थोड़ा सा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैमरा में जाएंगे तो ये इसके काफ़ी सारे और सेटिंग में जाएंगे तो फंक्शंस हैं। स्लोमो का ऑप्शन भी है इसमें। सो टिकटॉक्स और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए तो ये बेस्ट रहेगा। इसके अलावा गेमिंग को सपोर्ट करता है ये तो अच्छा। तो इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें G85 मौजूद है और इसके अलावा कैमरा आपने देख लिया है, और इसके अलावा मैं इसको यूज़ करूँगी तो बेटर बता सकती हूँ जितना मैंने अभी इसको चेक किया है और देखा। इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो G85 है इसमें, और इसके अलावा इसका कैमरा आपने चेक कर लिया है और गेमिंग को सपोर्ट करता है। बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, और इसके अलावा इसमें चार्जिंग बहुत फास्ट है और 18 वाट का चार्जर है, और इसके अलावा इसमें डुअल सिम डलती है और एक मेमोरी कार्ड डलता है, और इसकी मेमोरी जो है 128 GB है, और प्राइस इसकी बहुत मुनासिब है। और इतने फीचर्स, इतने अच्छे फीचर्स और इतना अच्छा कैमरा और इतनी स्पेस मेमोरी जो है वो आपको इतनी कम कीमत में अगर मिल रही हो तो आई थिंक यू शुड बाय इट। और इसकी कीमत है 28,000, तो मेरे ख्याल में इट्स बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको ख़रीदें। इसमें कैमरा भी है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, इसका टच बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसका जो फिंगरप्रिंट है वो साइड पे दिया गया है, और जस्ट इसको हल्का सा टच करने की देर है और ये ऑन हो जाता है। सो आई थिंक हम जब कोई फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं तो यही मेन चीज़ें देखी जाती हैं, और बाकी जो है मैं इसको मज़ीद यूज़ करके देखती हूँ।
सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।